मुहले बड़े अपना चाचा के लाठी से मरण जमीनिये विवाद जमीन विवाद घर कर ना घर के रहो घड़ारी के। अच्छा, ये घटना लगभग कौ बजे के है? घटना लगभग मैंने हमारे बजे थे 10 बजे के। 10 बजे हाँ, दस। तो प्रशासन एजन साठी थाना के प्रशासन पहुँच रहा। हाँ, घटना भैले पर पहुँच रहा, कब्जा में लेके पोस्टमार्टम में गई। हाँ, अच्छा, गिरफ्तारी भइल बा किना केहू के, पकड़ में आइल बा किना? पकड़ में अभी केहू के हमारा जानकारी नहीं है, केहू पकड़ाइल बा कि नहीं। मर्डर भइल के बाद में ये सब लोग भाग गए? भाग गई बा, मर्डर भइल के बाद में सब घर छोड़ के भाग गई बा। अच्छा, हाँ। पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण और साठी थाना के अंतर्गत सोमगढ़ गांव में हम मौजूद हैं और यहां एक विचित्र मर्डर हो गया है। दो भाई हैं आपस में लड़कर और एक व्यक्ति का हत्या कर दिया। हत्या कैसे हुआ है, आइए यहां के ग्रामीणों से भी हम बातचीत करते हैं। और आपके सामने एम्बुलेंस गाड़ी लगा हुआ है, अभी जस्ट बेतिया से पोस्टमार्टम होकर आया है, इसी में लाश है। और यहाँ आप तमाम पब्लिक देख सकते हैं, यहाँ भीड़ की तादाद बड़ी हुई है। और यह घटना कैसे हुई है अब आप लोगों को बाद में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आप भीड़ की तादाद आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जो हत्या हुआ है, किनका हत्या हुआ है? मेरे पिताजी का, प्रभुनाथ दुबे का। कैसे हत्या हुआ है? थोड़ा सा जमीनी हम लोग का विवाद था, हम गए थे पढ़ाने, गए थे प्राइवेट से पढ़ाते हैं, घर पर नहीं थे, कुटी से आए, कुटी पूजा करने गए थे, यहीं पर लोग थे, तब तक रड वगैरह लेकर मारने लगे, रड से उनका करेज पर मार दिए, उधम से यहीं पर गिर गए, हमको मार दिए, सिर फूट गया। अच्छा। मेरा भाई को गला कस रहा था लोग यहाँ पर उसको मुहाने के लिए, तो लोग बीच बचाव करके छोड़ा है किसी तरह से। जी, आपका भाई है? दो भाई। दोनों भाई को घटना हुआ है? आपके पिताजी तो गुजर गए? जी जी। और आप दो भाई बचे हुए हैं, तो दोनों भाई का साथ घटना हुआ है? आपी का कपार फूटा है? हमारा कपार फूटा है, उसको भी बीच बचाव किया लोग, नहीं तो लोग नटी दाब को लोग मुआने जा रहा था। किसने मारा आपके पिताजी को, किसने मारा? हरिप्रकाश दुबे उर्फ नीरज दुबे। अच्छा। मिलन कुमार दुबे, अंकित दुबे। हाँ। निर्मला देवी। अच्छा। रिंकू देवी। आखिर यह घटना किस लिए, वो लोग आपके पिताजी को मार कर किस लिए जान से मार कर हत्या कर दिए, आखिर क्यों? थोड़ा सा जमीनी हम लोगों का विवाद था। अच्छा, जमीनी विवाद, सरे में खेत का विवाद था कि गांव में घड़ारी का विवाद था? बगीचा का भी कुछ विवाद था, यहां पर भी विवाद हम लोगों का था, दरवाजे पर। अच्छा। देखिए सब मार कर नरिया वरिया फोड़ दिए, हम लोग घर में भाग कर डूब गए थे, पिताजी आए हैं तो आकर रोड से मारना वो लोग शुरू कर दिया। अच्छा। रोड से हमको मार दिया। ये थे संजय सिंह थे यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ पर देखे। अच्छा, मारा वो कौन है, गांव के लोग हैं कि आपका पट्टी पटदार हैं, कौन है? हमारा अपना चचेरा भाई लोग है। अच्छा। अपना चचेरा भाई लोग है और उनकी माँ है, उनकी उनकी बाबा औरत है। हाँ, हमारा अपना चचेरा लोग है। भतीजा ने चाचा की हत्या कर? जी जी जी। कितना दूर जमीन के लिए? जमीनी विवाद, ये मिट्टी थोड़ा जमीन का मामला था इसीलिए। अच्छा, आइए कुछ ग्रामीण से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आइए, संजय कुमार सिंह। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, हम इनके बगल में हैं। बगल में हैं। तो यह घटना के विषय में घटना के विषय में हम बता रहे हैं कि अभी तक जो है यहाँ कोई बीमार नहीं था। ये जो प्रभुनाथ दुबे थे, इनको जो है हम सुबह में मंदिर ले गए हैं। अच्छा। पूजा पाठ करने में ही माहिर थे, तो भाई चलिए मंदिर। हमने कहा बगीचे में यहाँ जो है मिट्टी गिरा हुआ था। अच्छा। इनके भतीजे लोग के अत्याचार से, इन लोग काफी बाहुबली हैं। चाचा जी वहाँ मंदिर से आए हैं, डायरेक्ट मृत्यु के बाद इन लोगों ने मैंने प्रहार किए हैं।
और ये दरे पर जो है स्पर्श कर गए। आइए कुछ और भी ग्रामीण लोग आए, हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मृतक के पतोह है, पतोह से भी हम कुछ जानने के प्रयास कर रहे हैं। आपके ससुर का कैसे मर्डर होगा? क्या हुआ, गए थे पूजा करने? अच्छा, पूजा करने मंदिर गए थे? मंदिर गए थे। अच्छा, घर पे है तो हम लोग दो देहादी घर को हमारे मालिक गए थे स्कूल, स्कूल गए तो आए तो घर पे तो वो लोग आया आया तो खापड़ा फोड़ रहा था। अच्छा, तो हम घर में सीख ले इसलिए तो यहाँ पे बोले जब लोग खापड़ा क्यों फोड़ रहा है, हमारा देहादी भी बोली खापड़ा क्यों फोड़ रहा है, तो उसको भोसड़ी मन बहुत गंदा गंदा गाली उसको दिया और लाठी उसको गाय तो मार फोड़ देंगे। उसको बोला मिलो कौन कौन मिलो नीरज अंकी निर्मला देवी रिंकू कुमार। निर्मला देवी कौन है? उसका मतारी है, मतारी है। हाँ। अच्छा, उसका मम्मी भी, उसका रिंकू देवी भी। हाँ। सब कोई बोल और तब हम बोले तब चले मेरा ससुर जी आ गए, हमारा मालिक भी साइकिल पर चलो। हाँ। तो ससुर जी का क्या नाम था? प्रभुनाथ दुबे। प्रभुनाथ दुबे, धनंजय कुमार दुबे। हाँ हाँ। आया और आया तो क्या हुआ जी, यहाँ से उतरा और यहाँ दौड़ के जा रहा है लोग और जाकर उनको काट दिया मेरा मालिक को माथा पर और मेरा ससुर को मार कर घायल कर दिया मिट्टी के चलते। चाचा के अच्छा लाठी से मरण जमीनी विवाद के चलते घर कर ना घर के रहो घड़ारी के। अच्छा, ये घटना लगभग कौ बजे के है? घटना लगभग मैंने हमारे बजे थे 10 बजे के। 10 बजे हाँ, के। दस। तो प्रशासन एजेंट साठी थाना का प्रशासन पहुंचे रहलो? हाँ, घटना भइले पर पहुंचे रहलो। भइले पर? हाँ, पहुंचे रहलो। लाश के कब्जे में लेके पोस्टमार्टम में गइल हो? हाँ। गिरफ्तारी भइल बा कि ना, केहू के माने पकड़ में आइल बा कि ना? पकड़ में अभी केहू के हमरा जानकारी नहीं छै जे केहू पकड़ाइल बा कि नहीं छै। मर्डर भइला के बाद में ये सब लोग भाग गइल? भाग गइल बा। मर्डर भइला के बाद में सब घर छोड़ के भाग गइल बा। अच्छा, तो हॉस्पिटल अब यहाँ अभी पोस्टमार्टम होके लाश आया है और लाश अब दाह संस्कार करने के लिए लाश को जा रहा है लोग। राम में लड़कर एक पड़ीदार को जान से मार दिए हैं। अब मुझे ये बात कहना है कि छोटी छोटी बात के लिए अगर आपस में लोग लड़ रहे हैं और एक भाई का हत्या हो जाता है और दूसरा भाई घर छोड़ के फिहाड़ हो जाते हैं और जितना ज़मीन का कीमत होता है उस ज़मीन से 10 गुना पैसा लग जाता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ये मामला देखकर अपने आप को सावधानी बरतें और छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करने की कृपा करें आप। दिनांक 28/7/2024 समय 10 या 11 बजे की यह घटना है। बताइए, मारने से पहले इनको समझ में नहीं आया, लोग पटीदार थे, दो भाई, एक चाचा और एक भतीजा, भतीजा ने चाचा को मार के स्पॉट पर मर्डर कर दिए हैं और मर्डर करने के बाद ये लोग घर में ताला बंद करके फिहाड़ हो चुके हैं। क्या ताला बंद करके फिहाड़ होने से जीमा बच सकता है? ये झंझट नहीं करना चाहिए। झंझट में क्या होगा, किसके साथ क्या गुजरेगा, कोई नहीं जानता है। छोटी छोटी बातों के लिए बैठकर पंचायत द्वारा मामला सलट लेना चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी नहीं हो, किसी की हत्या नहीं हो, मारपीट नहीं हो। आ चले पानी